एक रिवैम्प्ड खेलो इंडिया की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। ये पीएम के, प्रधानमंत्री जी के विजन को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो खेल की जो स्कीम्स होती थी वो स्टेडियम निर्माण पे ज़्यादा फोकस करती थी, ये स्टेडियम निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी। ये व्यक्तित्व निर्माण, खिलाड़ियों का डेवलपमेंट और एक तरह से नए भारत के डेवलपमेंट, उसके निर्माण की तरफ फोकस होगा। इस पर 10 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उनकी मैपिंग करी जाएगी, उनकी फिजिकल ग्रोथ की मैपिंग करी जाएगी और एक ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करा जाएगा जिसके अंदर स्कूल्स को ग्रेड करा जा सके ताकि पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों इस तरफ की तरफ ध्यान दें कि किस तरह से बच्चों का विकास हो। स्पोर्ट्स और एजुकेशन को जोड़ा जाएगा कॉलेजेस के अंदर, खास तौर से स्कूलों के अंदर खास तौर से स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ तैयार करी जाएगी ताकि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। नेशनल टैलेंट सर्च के अंदर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जहां स्कूल गेम्स करवाए जाएंगे, कॉलेज गेम्स करवाए जाएंगे तो एशियन गेम्स में जाने से पहले एक एस्पिरेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन होगा जिसमें सब स्कूल के जो विद्यार्थी हैं चाहेंगे कि हम स्कूल गेम्स के नेशनल मुकाबले में हिस्सा ले पाएँ, उसके बाद कॉलेज लेवल मुकाबले पर हिस्सा ले पाएं और फिर अगर वो आगे बढ़ना चाहें तो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक जाएं। और इस टैलेंट सर्च के अंदर हर साल 1000 खिलाड़ी हम लेंगे जिनको 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाएगी 8 साल तक, और हर साल 1000 खिलाड़ी हम इसके अंदर जोड़ते रहेंगे तो एक बेंच स्ट्रेंथ बनेगी पूरे भारत के अंदर खेलों को लेकर। सभी खेलों को हम मोबाइल ऐप्स पर लेकर आएंगे, साथ साथ आपके माध्यम से मैं एक बार फिर बतलाना चाहूँगा कि CSR के अंदर स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द पार्ट्स, सो जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वो CSR के अंदर जब भी कोई फैसिलिटी लगाना चाहें तो खेलो इंडिया कैन बिकम वेरी मच बिकम अ पार्टनर टू देम, इनफैक्ट खेलो इंडिया कैन बिकम अ पार्टनर टू एनीवन।